हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स इलेवन प्रो प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अब मैं लेके आया हूँ जो आज पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 का जो आज थर्ड T20 मैच होगा उसकी मैं कोई ये कोई मैं वीडियो प्लेइंग 11 की नहीं दे रहा हूँ, ये मैं टॉस वीडियो दे रहा हूँ। और मैं इसमें कुछ आपको इसमें न्यूज़ बताऊँगा जो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इस मैच के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो मैच होने वाला है ये फिर से उसी ग्राउंड पे होगा जो लाहौर में ग्राउंड है, गद्दाफी स्टेडियम में होगा। ये उसे गद्दाफी स्टेडियम होस्ट करेंगे ये अपना पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 की मैच के लिए। फ्रेंड्स देखिए, जो भी इस टीम जो भी इस मैच में जो टॉस जीतेगा उसे पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है बॉलर को। और अगर वो चाहे अगर बैटिंग भी लेता तो भी उसके लिए ठीक होती है उस टीम के लिए। और बट अगर टॉस जीतने के बाद अगर बॉलिंग करे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस मैच में कोई भी इंजरी नहीं है, एज इन मैं आपको पाकिस्तान की न्यूज़ दे रहा हूँ। फर्स्ट, इस मैच में कोई भी टीम में इंजरी की न्यूज़ नहीं है। और पाकिस्तान के जो सेलेक्टर हैं इस मैच में कोई भी चेंज नहीं करना चाहेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं की प्लेयर के लिए। फ्रेंड्स देखिए, जो बाबर आजम है, बाबर आजम सभी बैट्समैन में से अच्छे हैं इन पाकिस्तान। लास्ट मैच में, लास्ट जो दो मैच में उन्होंने उस मैच में 86 रन और 45 रन मारे। और उम्मीद है कि इस मैच में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें तो शोएब मलिक और अहमद शहजाद ये भी अच्छे बैट्समैन हैं, पर बाबर आजम इन सभी से अच्छे हैं। तो आप इन पे बाबर आजम को अपनी टीम में ज़रूर लीजिएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें जो वसीम है, वसीम और शादाब खान, इमाम वसीम और शादाब खान विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और बात करें इन दोनों के प्लस पॉइंट की, तो ये बैट्समैन को रन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा रन बनाने नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद बात करें पाकिस्तान के बॉलर को विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक आप उसमें आप चूज़ कर सकते हैं जो भी बॉलर हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड 11 की। फ्रेंड्स वर्ल्ड 11 के जो प्लेयर हैं इनमें भी कोई भी इंजरी नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है दोनों टीम की। और हाशिम अमला और तिसारा परेरा ये स्टार बैट्समैन बन गए हैं पिछले मैच में, आपको तो पता ही होगा। और फ्रेंड्स परेरा ने बैटिंग करने के साथ में और विकेट भी निकाले हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले मैच में काफ़ी अच्छे खासे बल्लेबाजी की थी इन्होंने। और उसके बाद बात करें मॉर्नी मोकल की, तो मॉर्नी मोकल ने पिछले मैच में सिर्फ 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मैच में भी वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें तो जो वर्ल्ड 11 पहले मैच में 20 रन से हारे थे शायद, और उसके बाद जो लास्ट मैच में वर्ल्ड 11 की काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही। तो फ्रेंड्स और ये रही टीम एक टॉस न्यूज़ और एक न्यूज़ जो शायद इससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, किस टीम कौन सा टीम अच्छी खेल रही है। और जो पिच है, पिच फ्रेंड बॉलिंग के लिए अच्छी बताई जा रही है, पर बैट्समैन भी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं इस मैच में। फ्रेंड्स ये जो मैं टीम बनाया हूँ ये टीम जस्ट ऐसे ही बनाया टीम, इसमें देखिए जो मैंने लिया है विकेट कीपर में, मैंने अहमद शहजाद को ना लेके मैंने यहाँ पर टीम को लिया है। और बात करें उसके बाद जो फैफ डुप्लेसी को लिया है, उसके बाद बाबर आजम, हाशिम आमला, अहमद शहजाद, मैंने यहाँ पर किसी और बैट्समैन को नहीं लिया है, उसके बाद इमाम वशीद और शोएब मलिक, उसके बाद तिसारा परेरा। बात करें बॉलर की तो मैंने यहाँ पर लिया है इमरान ताहिर, मॉर्नी मोकल और सोहेल खान। तो फ्रेंड्स ये जो टीम मैं आपको दे रहा हूँ ये जस्ट ऐसे ही दे रहा हूँ, आप इसका जो मेरी अपडेट वीडियो आएगी आप उसको वॉच कीजिएगा, उसमें आपको जो अपडेट भी आएगी उसमें मैं आपको टीम दूंगा और कुछ न्यूज़ दूंगा, मतलब कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी टॉस की प्रेडिक्शंस। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।